नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि Vivo Z1 Pro के लिए। वो फोन आज मेरे पास पहुंच चुका है। यहाँ पर मेरे पास जो है Vivo Z1 Pro, ये इस फोन का मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। इस फोन के अंदर मैं बताऊंगा कौन सा फीचर्स ये अच्छा है और कौन सा फीचर बुरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके यहाँ पे ऑल ऑप्शन में कर देना ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको मिल के लिए है। बस ये देखो ओपन कर लिया हूँ मैं Vivo Z1 Pro। ये काफ़ी प्रीमियम जैसा ऊपर लग रहा है, जैसे डब्बा पैकिंग काफ़ी ज़बरदस्त आता है Vivo का। यहाँ पे कुछ Vivo क्लब ओपन लिख के आ रहा है, पबजी बाबू बहुत बढ़िया है। 712 इसका जो प्रोसेसर है, AI प्रोसेसर है, काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे इसको साइड में रखते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर है क्या चीज़, वीवो का दे रखा है एक, इसके अंदर केस कवर आई थिंक ठीक है, मिल गया सही है। इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट वाला केस कवर है, काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, डिसेंट लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड टाइप का। यहाँ पे प्रोडक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के बताई देता हूँ। यहाँ वीवो 9115 फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल, रेयर 16 MP, 8 MP, 2 MP, 5000 mAh की बैटरी है। और यहाँ पे जो इसका जो थिकनेस है 8.85 mm है। यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है 6.53 यानी 16.59 सेंटीमीटर, और ये जो है 2340x1080 इसका वीडियो की कैपेसिटी है। बाकी चीज़ें जो यहाँ पे है, सार वैल्यू यहाँ पे इंडिया सार वैल्यू दे रखा है 0.725 WKG हेड एंड 0.402 WKG बॉडी, ठीक है। लगभग जो रिवर्स में रहता है ये नॉर्मली यही रहता है। बाकी यहाँ पे प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एसेसरीज के अंदर सेलफोन एक रहेगा, चार्जर एक मिलेगा, USB केबल एक है, फोन का एक पिन वन, हेडसेट भी देता है, ईयरफोन भी, क्या बात है। वारंटी कार्ड है, क्विक स्टार्ट गाइड बहुत बढ़िया, हमें क्विक स्टार्ट गाइड नहीं पढ़ना है, बस ये हमने बता दिया। आगे इसको साइड करते हैं। अब इसके अंदर उठाते हैं जो फोन है, फोन के ऊपर जो रैपर लगा हुआ है, सिम इजेक्टर टूल दे दिया, अपने पिन है। इसके अंदर जो चार्जर है, चार्जर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग 18 वाट का जो फास्ट चार्जिंग है, 5000 mAh की बैटरी इसके अंदर आता है। तो इस टाइप का डिसेंट चार्जर दिया है, और जो केबल है ये है USB पोर्ट टाइप है, हमने सोचा कि सी टाइप आएगा, बट ये जो केबल है इसके अंदर USB टाइप का। वीवो का मुझे समझ नहीं आता, जब हम फोन मंगाते हैं ब्लैक कलर का तो ये एसेसरीज सारे ब्लैक का होना चाहिए था, पता नहीं क्या सिस्टम कर दिया, कई सारे स्मार्टफोन से व्हाइट व्हाइट देंगे। यहाँ पे एक वीवो का जो ओरिजिनल आता है ईयरफोन इसके अंदर कनेक्ट, इसके अंदर जो प्रोसेसर आता है ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 AI प्रोसेसर के साथ आता है। इसके साथ 4GB RAM जो इस वेरियंट है 4GB RAM के साथ ये आता है। यहाँ पे आपको ग्राफिक देखने को मिल जाता है, एड्रीनो 616 ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट GPU के साथ। तो यहाँ पर इसके अंदर 64 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। और साथ में बात करते हैं इसका जो चार्जिंग का, यानी बैटरी बैकअप के लिए, बैटरी तो इसके 5000 mAh की बैटरी है जो कि फास्ट चार्जिंग करता है, 18 W फास्ट चार्जिंग। ये भी बाद में हम बैटरी के लिए अलग से एक वीडियो आपको बना के दिखा देंगे। दोस्तों फ्रंट कैमरा जो है यहाँ पे 32 MP देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको ये F2.0 अपर्चर के साथ आता है, और HDR मोड, AR स्टिकर, प्रोटेक्ट लाइट इफेक्ट एंड लाइव फोटो, AI ब्यूटी एंड फोन वीडियो, ये सब आप इस फोन के अंदर यानी कि कैमरा के अंदर ये शूट वगैरह कर सकते हो। अब बात करते हैं बैक कैमरा, बैक कैमरा के अंदर रियर कैमरा जो है इसके अंदर ट्रिपल रियर कैमरा दे रखा है। यहाँ पे जो मिडिल में है वो 16 MP जो कैमरा है F1.78 अपर्चर के साथ आता है, और सब 8 MP कैमरा जो टॉप में है, AI ट्रिपल कैमरा जो उसके साथ ही टॉप कैमरा जो है 8 MP AI सुपर वाइड एंगल कैमरा है। और यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे जो है ये जो है यहाँ पे आपको बोके कैमरा दिया गया 2 MP का, नीचे इसका जो फ्लैश लाइट है, और ये काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन। और वीवो का इतना कम प्राइस करना, प्राइस ड्रॉप करके ऐसे सिस्टम बनाना, ये ताजू की बात है, वीवो का फोन कभी इतना प्राइस कम नहीं होता। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी हम आगे करके दिखाएं। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पे 16.59 यानी कि 6.53 इंच FHD प्लस डिस्प्ले ये पूरा आपको देखने को मिल जाता है। FHD डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता है, अदरवाइज आपको डिस्प्ले काफी जबरदस्त है, आप बढ़िया से आपको देख सकते हो। अब बात करते हैं इसका जो सिम सिस्टम है, सिम इसके अंदर ट्रिपल ट्रे है दे रखा है, यानी कि 2 सिम है इसके अंदर, आप 4G 2 सिम यूज कर सकते हो, साथ में एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड भी यूज कर सकते हो 256 GB तक। तो इसके अंदर इनबिल्ट दे रखा है 64 GB और 265 GB तक आपने यूज कर सकते। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ये वाला हो गया, यानी कि सिम ट्रे को क्लिक करते ही जो अपना गूगल का जो असिस्टेंट है वो ओपन हो जाता है। ये काफी जबरदस्त एक डेडिकेटेड की दे रखा है ऑलरेडी अलग इसके लिए। राइट साइड में आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको पावर बटन है और वॉल्यूम अप एंड डाउन,
और टॉप पे आपको यहाँ पे सिल्पट कुछ देखने को नहीं मिलता है। आई थिंक इसके अंदर आयर ब्लास्ट नहीं है, मैं बाद में इसको पूरी तरह चेक करके बता दूंगा। ऊपर लेवल में आपको स्पीकर दिखता है, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है एक तरफ स्पीकर, यूएसबी जो चार्जर यहाँ पे पोर्ट वगैरह है सेटअप है, और साथ में ये 3.5 mm का ऑडियो जैक है। ये आपके माइक बैक साइड में आपको ये फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसके जो वेट है, वेट आपको देखने को मिल जाता है 201 ग्राम, थिकनेस है 8.85 mm का। इसके अंदर जो रन करता है फंटूस ओएस, और आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर ये अभी बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं अबाउट फोन के अंदर दिखाता हूँ, ये फंटूस ओएस हो गया, यहाँ पे एंड्रॉइड 9 पाई का वैसे आने वाले दिन में आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड क्यू। तो बस यही था आज का जो वीडियो अनबॉक्सिंग, वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर रिकमेंड करूंगा। इस टाइम में 15-16 हजार के अंदर अंदर कोई भी फोन अगर लेना है तो ये फोन ही सबसे बेस्ट है, ये जो यानी कि वीवो Z1 Pro, क्योंकि इसके अंदर आपको आई थिंक वो चीज मिल जाता है जो आपको एक पबजी गेमर है जो गेम खेलता है बहुत बढ़िया। 712 जो प्रोसेसर है इसका स्नैपड्रैगन काफी बढ़िया है, और इसके अंदर पबजी वगैरह भी हम रन करके देखेंगे। बताना क्या आपको ये फोन परचेज करना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और इसका जो परचेज लिंक है, आप इसको परचेज का अगर मूड बने परचेज करने के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। बस यही था आज के वीडियो में, मिलूंगा नए वीडियो से, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बंदे मातरम।